उन्होंने गाड़ी का पीछा किया मेरा कि मैं तुम्हें गाली कैसे दी उतार तेरे को मारेंगे और ऐसा है वैसा है मुझे गया मुझे था हाँ प्रॉपर सरिये लिया आया बड़ा सा डिक्की से निकाल के फिर उन्होंने एक जना को और गुस्सा आ गया वो अपनी पिस्टल ले आया पिस्टल ले आया और पिस्टल यहाँ लगा मैं जब इंदौर में था ना अभी ये कोविड से पहले की बात है कोविड से जस्ट पहले की बात है 2019 ये मई 2019 के आसपास की बात है ठीक है ना हाँ उस बिल्कुल जब मैं मेरा इलेक्शन ड्यूटी लगा था तो मेरा फर्स्ट में और सेकंड विजिट तो मैं कराया था सिक्किम गैंगटॉक और थर्ड विजिट मेरी सिक्किम वाला आप वो कह रहे थे वैसे पर नहीं 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 वो नहीं उसके बाद मेरा बीच में क्या हुआ था जब मैं स्विमिंग कर रहा था तो मैं उस दिन क्या हुआ था हम चारों जाते थे तो संडे का दिन था नहीं संडे नहीं तो वीकडे था सॉरी वीकडे था क्योंकि ऑफिस चालू था तो उस दिन क्या है नीतू का जाने का मन नहीं था कुछ तो परेशानी थी ठीक है ना नहीं नहीं नीतू के क्या हुआ था स्विमिंग में जाते हुए वो आ गया था फ्रैक्चर हो गया था तो नीतू के हाँ उसमें जा रहे थे तो उसमें बीच में नीतू का फ्रैक्चर हो गया था वो बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो नीतू जा नहीं रही थी उन दिनों में ठीक है ना तो मैं क्या है मैं मेरी बेटी को लेके गया अर्थिका को ठीक है गुड्डा को लेके गया और हम लौट रहे थे 8 बजे क्योंकि हम ठीक है ना 8 से 8 बजे लौट जाते थे लौट रहा था तो मैं क्या है कि अब वहाँ से उनके स्कूल से क्या है वो हाईवे होते हुए उसके साइड से मतलब हाईवे पड़ता था बीच में वो बाईपास ये वहाँ से लौट रहा था तो किसी ने गाड़ी उसके सर्विस रोड पे ऐसे खड़ा रखी थी इस चीज़ें ठीक है जैसे मैं अपनी गाड़ी मेरी डिजायर थी वहाँ पे सीधी सीधी कर दी तो मैंने हॉर्न वॉर्न बजाया काफ़ी तो उसने थोड़ी सी हटा ली थी तो फिर मैं कहने लगा मैंने कि यार मतलब ऐसे कहने लगा मैंने यार बड़े लोग आजकल बदतमीज हो गए हैं गुड्डा को बोलने लगा मैंने कि बड़े बदतमीज लोग हो गए हैं तो 7 साल की तो थी उस समय 7.5 साल की तो मैंने कहा कि बड़े बदतमीज लोग हैं तो उसको लगा मैं गाली बक रहा हूँ उसको जैसे लगा लिप्स पे और वो लोग क्या है कि ड्रग्स लिए हुए थे वो दो लड़के थे वो ड्रग्स लिए हुए थे वो तो बाद में मुझे पता लगा तो वो उन्होंने गाड़ी पीछा किया मेरा मुझे पता नहीं था मैं तो आराम से अपनी आराम से अंदर नॉर्मल स्पीड चलाते गाड़ी मैं चला रहा था उन्होंने आगे ला के गाड़ी खड़ी कर दी अब मैं भाई रुक गया अब मेरी गाड़ी भी बंद थी अब वो तो आके उन्होंने बोलिया वो क्या कहते हैं गाली बकने लग गए बहुत सुनाई देती है खूब तेज गाली बकने लग गए और ऐसा ठीक है खूब मतलब ठीक है ना तूने गाली कैसे दी उतार तेरे को मारेंगे और ऐसा है वैसा है अब मैं थोड़ा डर गया बहुत ज़्यादा ठीक है ना इतनी देर में एक बंदा बोली आया सरिये ले आया हाँ प्रॉपर सरिये ले आया बड़ा सा डिक्की से निकाल के अब वो क्या हुआ तब तक मैं उसकी गाड़ी पर नंबर नहीं देख पाया उसने डिक्की खोल ली थी तो डिक्की खोल दी थी सामने गाड़ी खड़ी है अब डिक्की कैसे दिखेगी मतलब नंबर नहीं दिखेगा ठीक है लेकिन मैंने गेट नहीं खोला तब तक ठीक है अब उसका सरिया मारूंगा तो वो मतलब बहुत वायलेंट थे दोनों बहुत ज़्यादा अब उसने मैंने कहा सरिया मार दिया हमारे लगेगी कुछ ना कुछ बहुत मिसहैपनिंग हो जाएगी तो मैंने कैसे भी करके उन्होंने दे फोर्स मी टू ओपन द गेट तो मैंने गेट खोला मेरे से बोलने लगे कि वो पैसे निकाल देते भी है ओह माय गॉड ये इंदौर सिटी में हो रहा है इंदौर सिटी में ओह माय गॉड अच्छा इंदौर सिटी में पैसे निकालने की मेरे पास तो वॉलेट नहीं है मोबाइल ही था बस मैंने मोबाइल है मेरे पास तो पैसे में सुबह स्विमिंग से आ रहा हूँ मैं तो स्विमिंग मतलब वो था हाफ पैंट था मैंने देखो तुरंत गाली की जीवी और मेरे से खूब कॉर्नर पकड़ ली ठीक है ना बहुत मतलब बहुत भयंकर बदतमीजी चल रही थी बदतमीजी क्या मतलब गुंडागर्दी अल्टीमेट वाली फिर उन्होंने मतलब ये सब कर रहे थे मैंने कहा मैं तो जाऊँगा जूते आपको ले जाने तो आप ले जाओ नहीं नहीं तू ले जा गाली एब्यूजिंग ठीक है ना माँ बहन की गाली देना सब कुछ चल रहा था कर रहे थे ठीक है ना वो चूंकि सुनसान टाइप हो गई थी ना हाईवे था हाईवे के बल में जो सर्विस रोड थी फिर उन्होंने एक जना को और गुस्सा आ गया वो अपनी पिस्टल ले आया पिस्टल ले आया और पिस्टल यहाँ लगा दी पिस्टल लगा दी थी उसने ठीक है ना अब तो मैं बहुत घबरा गया तो मैं मतलब यू विल नॉट बिलीव ऐसे जबकि मेरा गुस्सा है अच्छा खासा लेकिन मैं इतना कूलली उससे सिर्फ आई वाज जस्ट बैगिंग बिफोर हिम क्योंकि आई हैड टू लीव दैट प्लेस एनी हाउ यार आप सोचो अपनी बेटी साथ में यार कैसे भी करके आपको वो जगह छोड़नी है कैसे भी करके इनसे करें तो जब उन्होंने पिस्टल लगा दी उसको गोली मारूंगा नहीं तू बस वो तो कैसे गाली बकी तूने इतनी देर में कोई पीछे से गाड़ी आती दिखाई दी तो उसका गाड़ी आ रही है फटाफट चल 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 ऐसे करके फिर वो गाड़ी उन्होंने फटाफट गाड़ी बंद की और फिर वो निकले नंबर नोट करा नहीं गाड़ी बंद नोट करा फिर मैंने क्या हुआ क्योंकि गाड़ी फटाफट वो निकली अब मेरे तो क्या है गाड़ी बंद करके मैं भाई आदमी इन सब लेकिन मेरे दिमाग में थी गाड़ी का नंबर मुझे देखना है ठीक है ना तो उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे कर दी मैं गाड़ी आगे चलाने लगा लेकिन मैं कोशिश की कि मैं देख लूँ लेकिन फिर भी मैंने कहा यार देख नहीं पाया लेकिन वाइट कलर की ये जरूर थी कि वो क्रेटा थी अब फिर मैं चला गया तो आगे क्या है कि नीचे से
मतलब ओवरब्रिज के नीचे से नीचे से करके मुझे पता था कि यहाँ पे मतलब एक नाका रहता था पुलिस का, तो मुझे पता था कि वहाँ रहते हैं दो तीन पुलिस वाले। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा मैंने उनसे कहा, मैंने बताया मैंने किस तरह से जॉइंट कमिश्नर और इस तरह से मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ पूरा मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर चलो बाइक पे, ठीक है ना। उनका कि ऐसा है कि अब बच्चे को तो अगर कोई ले जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इतनी देर मेरे कोई फ्रेंड वो स्विमिंग से आ रहे थे, तो उनका सर क्या हुआ, मैंने कहा यार ये हुआ। तो उन्होंने कहा आप सर आप चिंता मत करो बच्चे को हम छोड़ देंगे, आप ये करो ठीक है ना। तो मैंने कि वो आप मैंने घर बता दिया कहाँ पे, मैंने कहा बाकी गुड्डा बता दिया कोई दिक्कत नहीं हो, तो उन्होंने बताया सर ठीक है ना। तो वो लेके उसको चले गए, फिर मैं उसके साथ वहाँ गया वो मेरे को बाइक पे लेके। तो बाइक पे उसने पूरी बताया तो उसने कोई गाड़ी दिखाई नहीं थी, वो चले गए थे अब तक ठीक है। तो उसके पास में ही एक मैरिज रिसोर्ट बने हुए थे उसी पे, काफ़ी मैरिज रिसोर्ट में। तो वहाँ पे हम गए कि भाई अब सीसीटीवी लगे हुए थे ठीक है ना, हमने अंदर जाके सीसीटीवी देखा किया ठीक है ना, लेकिन कोई दिखा नहीं। मतलब इस तरह से कि भाई वो गाड़ी पास हुई है कैसी, गाड़ी दिख तो रही थी लेकिन नंबर वंबर भी कोई दिखा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घंटे दो घंटे लग गए थे इसमें सब में ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर पहुँचा बेटा, इसी रास्ते में मैंने कमिश्नर को फ़ोन कर दिया, मैंने उनका सर ये आदेश हो गया। फिर कमिश्नर एक्शन में आ गए, उन्होंने कहा इतना मत कर कोई बात नहीं, एसएसपी को फ़ोन करता हूँ मैं ठीक है ना। एसएसपी को करते हैं ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ ना, आगे सुना दे क्या हुआ। अब उस दिन फिर मैं ऑफिस तो चला गया तो कि भाई तो उन्होंने एसएसपी को फ़ोन कर दिया, मैंने एसएसपी को उनका देवेश नंबर एसएसपी का तो बात कर लो, मैंने एसएसपी को बोला। तो उन्होंने कहा कि कौन सा थाना लगता है तो उसमें मैं कर देती हूँ जो भी है, उन्होंने एक्शन में ला दिया। अब पुलिस को मिल गए बहुत जल्दी, 12:30 बजे मिल गए वो लोग, उन्होंने धर लिया 1 बजे के आसपास, लेकिन बताया नहीं। शाम को फिर वो एसएसओ कहीं था तो उन्होंने कहा कि आप एक बार कंप्लेंट कराने आप आ जाना, वो कहीं गया हुआ था मतलब उसमें अपने जो फ्री फील्ड में गया हुआ था। तो मैं मेरे को कमिश्नर बोला कि तुम चले जाओ 5 बजे के आसपास, तो मैं 5 बजे निकला, मैं ऑफिस से निकला ही मानिक बाग से। इतनी देर मेरे एक साथ कलीग है वो राजीव अग्रवाल एडिशनल कमिश्नर अपने बैच के, तो उन्होंने 95 बैच के थे ना अपने दस दिन का, उनको बनाया देवेश कहाँ हो यार तुम, मैंने कहा सर वो FIR कराने जा रहा हूँ वो पैसे के बाद। तो कहाँ पहुँचे, मैंने सर निकला ही ऑफिस से, यार आ जाओगे जरा वापस। मैंने सर क्या हुआ यार अर्जेंट आ जाओ यार प्लीज़ यार, मैंने कहा मुझे पता था ऐसे तो बुलाएंगे इस बहुत सेंस से। मैंने कहा सर मैं वापस आया ठीक है ना, मैंने सर क्या हुआ, मैं यार वो लोग मिल गए और वो लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं। सर आप क्या, आप तो कहीं पिक्चर पे ही नहीं हो ठीक है, जो कि नहीं क्या है कि बिल्डर है उनके बच्चे उसका फोन आया क्योंकि उनका प्रिवेंटिव था। तो जो कि बिल्डर का फोन आया कि आज जो इंसिडेंट हुआ है बाईपास पे ठीक है ना, उससे जो ये जिन्होंने किया है बच्चों ने उनके पेरेंट्स का आया था, तो जो कि वो माफी मांगना चाहते हैं। मैं कमिश्नर पास गया, मैंने सर ये कह रहे हैं राजीव बोल सर, उनका राजीव को बोला राजीव को बुलाया कि क्या राजीव तू कैसे पिक्चर में बताई कहानी से कि चूंकि वो मेरा ना, तो उन्होंने कहा देवेश ऐसा है तू बता क्या करना है। तो मैंने कहा सर जो कि वो घर आके माफी मांग जाते हैं। सर ने कहा वो कमिश्नर बोला घर बार किसी को नहीं बुलाना, ऐसे क्रिमिनल को घर तो बुलाएंगे, उनको बोलो अगर जो भी बात है पहले एक बार यहाँ आए कहाँ ऑफिस में ठीक है ना। एक MBA कर रहा था और एक ऐसी कोई बीवी वगैरह कर रहा था पुलिस, तो वो आ गए थे। और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा पूरा मानिक बाग यूनिफॉर्म में था, पूरा मानिक बाग एक एक ऑफिसर को बोल दिया था कमिश्नर ने सब यूनिफॉर्म में रहे ठीक है ना। वो आए कमिश्नर के चैम्बर में ही, फिर क्या नीतू को बुला दिया, मेरे ठीक है फदर इन लॉ मदर इन लॉ भी आए हुए थे उसमें ठीक है, तो वो भी आ गए थे। तो उन्होंने माफिया भी मांगा तो अलग बात है, वो सब किया। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ कह रहे थे कि नहीं केस करना है ठीक है, नीतू बोला कि नहीं अब केस करने से कुछ नहीं है, फिर क्या होगा कि इनको लाइफ खराब हो जाएगी। एसएसपी ने मुझे कई बार दो बार बोला एसएसपी ने, मतलब देवेश तुम्हारा फाइनल कॉल है, तुमको जो करना है कर सकते हो ठीक है ना। मैंने बाद में छोड़ दिया। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं ना वो इसलिए इन सर्विस में नहीं आते, तो है मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी होता तो बेचारे को कुछ नहीं होता यार, यही एक प्रिविलेज है, यही प्रिविलेज है कि थैंक्स टू, लेकिन हमारे का पुलिसिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उन्होंने सच में 2 घंटे के अंदर उन्होंने समझ लिया कि इस बाईपास पे, क्योंकि क्या था यार वो सबको पता लग गया था कि ये शादी वाली गाड़ी आई होगी, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसे लोग नहीं थे कि कोई ठीक है ना, कहीं शादी शादियों का माहौल दिख गई होगी वो कहीं ना कहीं दिख गई होगी, लेकिन उनको बीट ऑफिसर को सब पूरा आईडिया रहता है, चार लोगों से पूछा कि कौन सी गाड़ी गई है कहां गई है कैसी, बीट ऑफिसर बोलते हैं उसको, बीट पता है ना सारी बीट पता है, पल्स पता होती है, पल्स पता है उसको तभी चल पा रहा है, इतनी भीड़ में इतने कम पुलिस वाले मैनेज कर ले रहे हैं चीज। मतलब ये इंसिडेंट यार मतलब ऐसा था कि यार नहीं नहीं वो तो मतलब नहीं, और बाद में पता क्या बोल रहे थे लड़के दोनों
नो कि नहीं वो तो एयर गन थी। जो भी हो भाई हिम्मत कैसे पड़ गया। ठीक बोलता है ठीक बोलता है। दूर से चलाएगा तो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत फर्क कम पड़ेगा। एयर गन आपने यात्रा दी ना, हां वो तो फटी भाई यार, अंदर जाएगी पेनिट्रेट करी। नहीं नहीं नहीं, पेनिट्रेट करी रूल के हिसाब से भी है कि उसकी भी ट्रेनिंग कराते हैं ना, दिखा के उसको सेम रूल मानना है। फर्स्ट स्टैंडिंग तो होता है भाई, लेकिन कोई यहीं पे लगा दे अगर रिवॉल्वर तो भी पता नहीं क्या करेगा। मेरी सोचो यार, मतलब बिल्कुल भी नकली कुछ नहीं कर सकते। कोई भी गन नकली भी हो, आप उसको यूज कर रहे हो ना, वो कंसीडर की जाती है आप एक असली गन यूज कर रहे हो रूल के हिसाब से। बात वो नहीं है, रूल ये है तो वो सारी धाराएं लगती है। वो ट्रॉमेटिक यार बड़ा, वो सारी धाराएं लगती, चाहे वो नकली है चाहे असली है, असली वाली धाराएं लगेंगी, ये रूल कहता है। हूँ डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूं, और ये इंश्योर करूंगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृतकाल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटिफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।